स्टूडेंट्स, मैं सर संगीता पुरोहित। हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन फिजिक्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसमें सेकेंड ईयर में, चूंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आ चुके हो, तो सेकेंड ईयर में इसका साइंस का जो केमिस्ट्री का है वो सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, सिलेबस। सबसे पहले मैं क्या जानना होता है, सिलेबस। तो मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूंगी कि एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको ये सब्जेक्ट है वो पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेडागोजी में, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 यूनिट रहेगी, 1, 2, 3 यूनिट रहेगी हमारे पास। और आपके लिए कॉमन सी चीज मैं बता दूं, बीएड सेकेंड ईयर में जितने भी शिक्षण विषय है उनमें सभी में 3 यूनिट ही रहेगी। ठीक है, तो शिक्षण विषय मतलब पैरागोजी में कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। इन 3 यूनिट में पैरागोजी में ज्यादातर कॉमन टॉपिक होते हैं, मतलब कॉमन टॉपिक ही सब में होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे। जैसे पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान की क्या भूमिका है, रसायन विज्ञान की क्या भूमिका है, इसी प्रकार से प्रश्न चेंज होते हैं, बाकी टॉपिक है वो सेम ही रहता है। ठीक है, जिसमें यूनिट कितनी है हमारे पास, 3। तो इन 3 यूनिट में से हमको पढ़ना है कि 3 यूनिट में है क्या। अब ये तो होगी बात यूनिट की, कितनी यूनिट का सिलेबस है। अब उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है पाठ्यक्रम नियोजन एवं गतिविधियां। यूनिट फर्स्ट का नाम है पाठ्यक्रम नियोजन एवं गतिविधियां। इसके अंतर्गत मतलब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का आधार, पाठ्यक्रम की अवधारणा, उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, मतलब पहले मैं यूनिट फर्स्ट लूंगी, फिर सेकेंड लूंगी, फिर थर्ड लूंगी। ओके, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पेपर पैटर्न, कि फाइनल एग्जाम में पेपर पैटर्न रहेगा कैसा। ओके, पेपर पैटर्न है वो रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 40 अंक का होगा। फाइनल एग्जाम कितने नंबर का होगा, 40 अंक का होगा। ठीक है, 40 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये 40 नंबर का क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन पेपर है वो आपके 80 नंबर के होंगे और जो पेडागोजी है जितने भी वो 40 नंबर के होंगे। तो हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, तो इसका फाइनल एग्जाम कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का। अब 40 नंबर में कितने यूनिट हमारे पास, 3 इकाई कितनी हमारे पास, 3 यूनिट है हमारे पास। तो इन 3 यूनिट में से 40 नंबर का पेपर बनेगा, तो बनेगा तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जैसे अतिलघु उत्तर होते हैं, लघुत्मक होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड थर्ड पार्ट सी। ये 3 पार्ट रहेंगे हमारे पेपर में, आपने देख लिया होगा पेपर, तो उसमें पेपर में कितने पार्ट होते हैं, 3। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रहेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट अति लघुत्मक प्रश्न। सबसे पहले क्या आता है पेपर में, अति लघुत्मक प्रश्न। ये प्रश्न आएंगे आपके पास से 4, कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न, और एक प्रश्न का
और कितने प्रश्न आएंगे? दो, तो 6 × 2 = 12, ये हो गया 12। फिर पार्ट सी की बात करते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। एक प्रश्न कितने अंक का है? 10 अंक का, तो 10 × 2 = 20, तो 8, 12, 20, ये हो गया 40 अंक। ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न, ये 40 नंबर का आपका फाइनली एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपको 3 यूनिट में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अदर पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए पेपर, सॉरी अदर पेपर को सॉल्व करने के लिए, कॉमन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास समय रहता है 3 घंटे का एग्जाम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो पेडागोजी विषय है, शिक्षण विषय है, उस पेपर को हल करने के लिए आपके पास मात्र 2 घंटे रहेंगे। आपके पास समय कितना रहेगा उसमें? 2 घंटे का, ठीक है? समय आपके पास में है 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे के अंतर्गत आपको 40 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। अब करना कैसे है, वहां पर डिपेंड है कि आप किस तरह से तैयारी करते हो, कैसे पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको बता दिया पेपर पैटर्न की फाइनली एग्जाम है, उसका पेपर पैटर्न होगा कैसे। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट कि 40 नंबर का ही पेपर होगा फाइनल एग्जाम का, पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स या जितने भी पेडागोजी है उस सबका। ओके, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 यूनिट है, सारे पेडागोजी सब्जेक्ट में यूनिट कितनी है बीएड सेकेंड ईयर में आपके पास? 3 यूनिट है, ठीक है। ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न की बात तो हम कर चुके हैं, अब कल वाले वीडियो में या कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस लिखवा दूंगी यूनिट फर्स्ट का, कौन सा यूनिट फर्स्ट, उसका सिलेबस लिखवा लूंगी। और लिखवाने के बाद में कल हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के बारे में ही, कि पाठ्यक्रम है क्या, कैसे, एटीसी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास 1 समाप्त होती है और कल से हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।